हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज शर्मा चमनलाल, लेक्चर नंबर 9, ट्रम्स रिलेटेड विद द लीनियर मोशन। प्रीवियसली हमने डिस्कशन की थी टाइप्स ऑफ मोशन पे, कि टाइप्स ऑफ मोशन किस तरीके के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पे, स्केलर एंड वेक्टर्स पे, कि स्केलर और वेक्टर्स क्या क्या होते हैं। अब उसके आगे वाला टॉपिक हमारे पास है 3.6 से स्टार्ट होता है, ट्रम्स रिलेटेड विद द लीनियर मोशन, जिसमें हमारे पास स्पीड है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन। दीज आर द मेन ट्रम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन ट्रम्स हैं। तो हम सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड है क्या? पहली बात, स्पीड एक किस्म की स्केलर क्वांटिटी है। हमने क्या कहा था, हमने डिस्टेंस में कहा था कि अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है और वो डिस्टेंस अपना तय कर रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं तय कर रही, ठीक है। तो ये देखिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इट मीन दैट के दिस इज़ कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। अब लाजमी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो कोई ना कोई तो टाइम लगा होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट तक जाना है, पहले मैं इधर गया, ठीक, फिर मैं इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे करके मैंने अपनी डिस्टेंस कवर की है, पर कोई ना कोई टाइम लगा। दैट इज नोन एज अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की बात आए, तो हम कहेंगे कि टाइम जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और डिस्टेंस जो है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस जीरो थी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगी ना, मतलब क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज कब आया, जब टाइम से डिवाइड हमने किया, तो हमारे पास इसकी आ गई स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज ए स्पीड। डेफिनेशन नंबर 1 है ये। डेफिनेशन नंबर 2 में हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस जो कवर्ड हो किसी ने किसी टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और मैं बता चुका हूँ कि ये स्केलर क्वांटिटी भी है, और इसको डिनोट किया जाता है सिंपली वी से। कोई भी एरो टिप नहीं होगी ऊपर, एरो टिप जिसके ऊपर होगी दैट इज़ नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, पर ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर कोई भी एरो टिप हम नहीं देंगे। इट्स फार्मूला इज़ वी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। एस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है। देखें, मैंने एरो नहीं दी है, इट मीन दैट के डिस्टेंस है ये। अगर एरो देता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। अब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो इट इज़ इट्स यूनिट इज, डिस्टेंस इज अ लेंथ। मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर इसका यूनिट, और अपॉन में टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड, एंड स्पीड इज मेजर्ड विद अ डिवाइस विच इज नोन एज अ स्पीडोमीटर, जो आपके गाड़ियों के स्पीडोमीटर होते हैं, जैसे कि 0, 10, 20, ये स्पीडोमीटर होते हैं। उससे हमें स्पीड का पता चलता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रही होगी वो, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज अ स्पीड, एंड स्पीडोमीटर हमारे पास ये होता है, स्पीड को मेजर करने का डिवाइस, उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। तो नाउ टाइप्स ऑफ स्पीड पे बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड की बात आती है सबसे पहले। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड में हम क्या कहते हैं, जितनी भी डिस्टेंस है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ करें, एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड है, डिफरेंट स्पीड्स हमने ले ली, 20 मीटर है, 50 मीटर है, 30 मीटर है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंसेज हैं, और उसको हमने टोटल टाइम से, 20 मीटर कितने टाइम में हुआ, सपोज़ करें 2 सेकेंड में,
30 मीटर कितने हैं, 10 सेकंड में। ऐसे करके टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड, दैट इज़ नोन एज एवरेज स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि अगर 10 मीटर जो है वो बॉडी ट्रेवल कर रही है 10 सेकंड में, अगला 10 मीटर भी 10 सेकंड में कर रहा है, अगला 10 मीटर भी 10 सेकंड में कर रहा है। देखें डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम भी इक्वल है डिस्टेंस भी इक्वल है, तो दैट इज नोन एज ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज ए यूनिफॉर्म स्पीड, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमने स्पीड के बारे में पढ़ लिया, अब स्पीड के बारे में पढ़ा है तो वेलोसिटी में एक ही चेंज आएगी, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी थी और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बस यही चेंज आ जाएगी कि ये इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसकी स्पीड की पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी। तो वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन प्रॉपर डायरेक्शन। प्रॉपर डायरेक्शन मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं जाऊं, यहां से लेकर यहां तक। अब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो यहां पर मैंने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है। देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने कवर की है डिस्प्लेसमेंट, तो लाजमी बात है कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा। अब इसको मैं इससे डिनोट करूँगा वी एरो टिप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट तय की है मैंने किसी न किसी टाइम में, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम एज इट इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का जिक्र आया, टाइम को डिवाइड करना है, चेंज करना है डिस्प्लेसमेंट को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, यहाँ पर कुछ ना कुछ हुई, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा डी आ गया या डेल्टा एस आ गया, तो मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन टाइम, तो हम उसे भी वेलोसिटी कहते हैं। डेफिनेशन नंबर थ्री, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, पोजिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो इन स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में देखें डिस्प्लेसमेंट चेंज, यहाँ पर जीरो थी, यहाँ पर कुछ ना कुछ है, तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो डी अपॉन टी, ये भी डेफिनेशन किसकी है, वेलोसिटी की ही है। वेलोसिटी इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी और ऊपर एरो टिप, एरो टिप शोज द वेक्टर क्वांटिटी, ये किसे शो कर रही है, वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रही है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, वी इजिकल्स टू डी अपॉन टी, एरो टिप्स हम लगा देंगे या फिर एस अपॉन टी हमारे पास, और इसका एसआई यूनिट भी क्या होगा, सेम एज इट इज, जाओ जो हमारे पास स्पीड का था वही वेलोसिटी का ही होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द लेंथ, एंड लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ओके, दूसरा टाइप हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम इज़ नोन एज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू हम करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है। देखें वेलोसिटी चेंज, इनिशियल वेलोसिटी वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एंड वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब इन दोनों वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज़ हैं तो दो से डिवाइड करेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ हैं तो एन से डिवाइड कर देंगे, मतलब नंबर से जितने भी वेलोसिटीज़ होंगी उतने नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। नाउ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल मतलब चेंज, जो वेलोसिटी चेंज हो विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। इफ़ अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ठीक है, ऐसे जो है इन्होंने डिस्प्लेसमेंट तय की है, पर टाइम क्या लग रहा है, यहाँ पर भी 10 सेकंड, यहाँ पर भी 10 सेकंड, यहाँ पर भी 10 सेकंड, देखें डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है पर टाइम सेम है, तो दैट इज़ नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई, दैट इज़ नोन एज ए वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। और इसी तरीके से हम अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जाते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, देखें चेंज नहीं आएगी, इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, इनिशियल भी और फाइनल से लेकर इनिशियल टू फाइनल सेम वेलोसिटी हो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। तो ये वेलोसिटी के टाइप्स हैं। और आगे हम आ जाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन हमारे पास एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स, तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये क्या है, वेलोसिटी की चेंज, जब वेलोसिटी चेंज होगी, इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी जब चेंज होगी तो ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वरना नहीं होगी। मतलब जब वेलोसिटी चेंज होगी तब ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वरना नहीं होगी। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। Acceleration is also drive quantity, is also vector quantity. Its formula is change in velocity per unit time, या फिर change in velocity को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Vf minus Vi upon t. Vf final velocity minus initial velocity. बड़ी velocity हमेशा छोटी velocity में क्या होगी, divide होगी, और उसको time से divide कर देंगे तो हमारे पास acceleration आ जाएगी। और इसका unit क्या होता है, meter per second square. इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, एंड इट इज़ आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे आते हैं, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या हो, जब जब वेलोसिटी वी एफ इज ग्रेटर देन द वी आई हो जाए, मतलब वेलोसिटी में कंटिन्यूसली इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो रही है, बढ़ रही है, फाइनल वेलोसिटी की तरफ जा रही है, इट मीन दैट के वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, दैट इज़ नोन एज ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज हो, मतलब फाइनल से इनिशियल की तरफ आए, जीरो की तरफ आए, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी कहा जाता है, रिटार्डेशन भी कहा जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन और रिटार्डेशन भी कहा जाता है। और ये क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज इन वेलोसिटी। जब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर से पांव हटा, एक्सेलरेटर पे पांव होता है, कंटिन्यूसली देते जाते हैं एक्सेलरेटर पे पांव, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। जब हम पांव हटा देते हैं एक्सेलरेटर से तो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, तो डैट इज़ नॉन एज अ डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं हम उसे। और दूसरा है ज़ीरो एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अब वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई हो, मतलब कोई भी वेलोसिटी में चेंज ना आए, इट मीन दैट के एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। मतलब चेंज ही नहीं आई वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। इसका ग्राफ देखें, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट रखा हुआ है टी।